Hello students, my name is Rohit Panuli and I am from ICT Virtual Classroom Dehradun. कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे. हम बात कर रहे हैं क्लास 10th साइंस की, जिसके अंदर हमने पिछले भाग में बात की थी क्वेश्चंस, बोर्ड क्वेश्चंस चैप्टर नंबर फर्स्ट के केमिकल रिएक्शन इक्वेशंस के क्वेश्चंस हम कर रहे थे. आज भी हम उन्हीं करेंगे, उन्हीं को समझने के लिए चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ. Distinguish between displacement and double displacement reaction and identify the displacement and double displacement reaction from the following reaction. Identify the displacement, identify the displacement and double displacement, identify the displacement and double displacement identify the displacement and double displacement from the following reaction. ठीक है, तो हमें डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट बतानी क्या होती है, और फिर हमें कुछ रिएक्शन दी है उनमें से हमें बताना है कि इनमें से डिस्प्लेसमेंट या डबल डिस्प्लेसमेंट कौन सी होती है, है ना. दो रिएक्शन हमें दी है, एक दी है HCl प्लस NaOH, ठीक है, गिव्स NaCl प्लस H2O. एक हमको दी है Fe प्लस CuSO4, गिव FeSO4, FeSO4 प्लस Cu, है ना. दो रिएक्शन हमें दिए, इनमें से बताना है कौन सी डिस्प्लेसमेंट है, कौन सी डबल डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्टिंग्विश भी करना है पहले, है ना. पहले तो हम डिस्टिंग्विश कर लेते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है. पहले डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना. अ रिएक्शन, अ रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव, अ रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव मैटर कैन डिस्प्लेस, रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव मैटर कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मैटर, अ रिएक्टिव इन विच मोर अ रिएक्शन इन मोर रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मैटर, है ना, फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, है ना. वो रिएक्शन जिसमें कि मोर रिएक्टिव आप अपने आप को मोर रिएक्टिव दूसरे को डिस्प्लेस कर देता है, जैसे कि जो हमें ऊपर रिएक्शन दी है Fe प्लस CuSO4 गिव्स FeSO4 प्लस Cu. ये देखो इसमें से Fe ज्यादा रिएक्टिव है, ये क्या है मोर रिएक्टिव है Fe, इसने लेस रिएक्टिव Cu को
गैस रिएक्टिव सीओ को डिस्प्लेस करके खुद उसके जगह ले ली, है ना, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगी। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या हुई, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन द रिएक्शन इन विच देर इज रिएक्शन इन विच देर इज एक्सचेंज The reaction in which there is exchange of ions. वो reaction जिसमें कि ions का exchange होता है are known as double displacement. उसको हम क्या कहते हैं, double displacement कहते हैं। ऊपर जो हमें reaction दी थी उसमें हमने देखा कि HCl और plus NaOH, है ना, क्या मिलता है हमको, NaCl मिलता है और H2O मिलता है, है ना। हमें पता है कि HCl में H प्लस Cl नेगेटिव होता है, Na प्लस OH नेगेटिव होता है, HCl नेगेटिव इससे मिला, आयंस का एक्सचेंज हुआ, ये इससे मिला, तो डबल डिस्प्लेसमेंट हमने कहा। आई बात समझ में, तो ये डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट ये चीज़ होती है, तो आप इसे नोट डाउन करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हेन यू हैव मिक्स्ड सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट, and potassium iodide. फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा इसमें, what was the color of precipitate, what was the color of the precipitate, what was the color of the precipitate formed, can you name the precipitate? Second, write balanced chemical equation, for this reaction. तीसरा है हमारे पास, is this also a double displacement reaction? क्या ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है?
है ना। तो ये सारी क्वेश्चंस हमें बताने हैं। तो हमें क्या क्या पूछा है, हमें पूछा है कि जब आपने लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिक्स किया, लेड नाइट्रेट क्या होता है, PbNO3O2, ये लेड नाइट्रेट है, आपने पोटेशियम आयोडाइड Ki के साथ मिक्स करा तो क्या बनेगा, ये आपका बन जाएगा PbI, पोटेशियम आयोडाइड लेड आयोडाइड बनेगा, है ना, PbI2 बनेगा और पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 बनेगा। अब पोटेशियम आयोडाइड जो होता है, पोटेशियम आयोडाइड आपका क्या है, एक प्रेसिपिटेट है, डाउनवर्ड एरो लगता है यहाँ पर, प्रेसिपिटेट है। तो कलर होता है जो प्रेसिपिटेट का, येलो कलर का, है ना। उसने हमसे क्या पूछा था, पहला क्वेश्चन पूछा था व्हाट वाज द कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट, कलर ऑफ प्रेसिपिटेट क्या है, येलो, ठीक है, कलर ऑफ प्रेसिपिटेट, कलर ऑफ प्रेसिपिटेट हो जाएगा आपके पास येलो, है ना, प्रेसिपिटेट का कलर येलो। दूसरा हमसे क्या पूछा, कलर पूछ लिया प्रेसिपिटेट का, हमें बताना है कि कलर और नेम दी कंपाउंड, वो जो प्रेसिपिटेट बना उसका कंपाउंड, है ना, नेम ऑफ द प्रेसिपिटेट, नेम ऑफ प्रेसिपिटेट, नेम ऑफ प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट का क्या नाम हो जाएगा, लेड आयोडाइड, क्या, लेड आयोडाइड, है ना, लेड आयोडाइड इसका नाम हो गया। ये तो पहले उसका कुछ पहले उसका आंसर हो गया। दूसरे में हमें क्या पूछा है, हमें बताया राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखो, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन PbNO3O2 प्लस Ki से क्या बनेगा, Ki से क्या बनेगा, PbI2 प्लस KNO3, है ना, बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना है, हमारे पास Pb एक एक है दोनों तरफ, I2 हमारे पास डिफरेंट है ना, तो हमें यहाँ पे दो लगाना पड़ेगा, दो के हो गए दो आई हो गया, इधर भी दो लगाना पड़ेगा, दो के हो गए दो आई हो गए, के तो हो गए दो, Pb तो एक एक है, ठीक है, N हमारे पास दो है हो गए, और O हमारे पास छः है, इधर भी आपके पास कितने हैं, छः हैं, तो बैलेंस हो गया ये। अगला पार्ट इसमें पूछा था, थर्ड पार्ट पूछा है कि ये कौन सी रिएक्शन है ना, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट है, यस इट इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट, इट इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यट इट इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना, ये हमारी क्या है बच्चों, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, बस बात खत्म, है ना। तो तीन क्वेश्चंस के जवाब हमने दिए, तो अब इनको देखिए एक बारी, इनको नोट करिए, फिर हम आगे अगला क्वेश्चन करते हैं। तो इस तरीके से बच्चों आज हमने क्वेश्चंस करे बोर्ड के, है ना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस किए, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आए होंगे। तो आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।